हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इमाद और आप देख रहा है स्मॉल टेक चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ ईएमआई रिफंड के बारे में। बहुत सारे लोगों का यह कॉम्प्लेंट है, एचडीएफसी बैंक में अपना ईएमआई मॉरेटोरियम अप्लाई करने के बाद भी उनका बैंक से बैलेंस डिडक्ट हुआ है। किसी किसी का अकाउंट तो माइनस में चला गया है, उन्होंने बैंक में बैलेंस नहीं रखा था, उसके बाद भी ईएमआई कट हुआ है और उनका अकाउंट माइनस में चला गया है। इसके बारे में एचडीएफसी बैंक ने किया ऑफिशियल अपडेट दिया है, तो चलिए आज हम उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एचडीएफसी बैंक ने क्लियरली एक बात कहा है, जिनका भी ईएमआई डिडक्ट हुआ है उनको रिफंड मिल जाएगा। इसके लिए एचडीएफसी बैंक ने ऑफिशियली पहले एक एफएक्यू अपलोड किया था 2 तारीख को, वहाँ पर ये मेंशन नहीं था। अभी कल एक अपडेट किया गया है उस एफएक्यू पर, आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली ये लिखा है, जिनका भी ईएमआई डिडक्ट हुआ है, जिन्होंने भी 10 तारीख से पहले ईएमआई मॉनिटोरियम के लिए अप्लाई किया था, अगर उसके बैंक से ईएमआई डिडक्ट हुआ है तो उनका पैसा रिफंड मिल जाएगा 17 तारीख से पहले पहले। इसके लिए जिसका भी अकाउंट से ईएमआई कट हुआ है उसको थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा, 1 हफ्ता 10 दिन तक वेट करना होगा, उसके बाद आपको आपका पैसा रिफंड मिल जाएगा। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए चलिए मैं अपना एचडीएफसी का स्टेटमेंट आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा भी ईएमआई डिडक्ट हुआ है और रिफंड भी मिल गया है। तो मैं आप लोगों को यह कहना चाह रहा हूँ, अगर आप लोगों का बैंक से ईएमआई कट हुआ है तो आप कुछ दिन वेट कीजिए, आप लोगों का भी रिफंड मिल जाएगा। अगर आपने ईएमआई मॉनिटोरियम के लिए अप्लाई किया उसके बाद आपका बैलेंस डिडक्ट हुआ तो ही आपको रिफंड मिलेगा, और नहीं तो नहीं मिलेगा। इसके रिगार्डिंग कोई व्यूअर्स ने एचडीएफसी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहाँ पर एक सवाल किया है, तो चलिए हम ट्विटर पर जाकर देखते हैं उन्होंने क्या सवाल किया है एचडीएफसी से। उन्होंने यह पूछा है, मैं एचडीएफसी बैंक का एक कस्टमर हूँ, मैं ईएमआई मॉनिटोरियम के लिए एप्लीकेशन डाला, उसके बाद भी मेरा ईएमआई कट हुआ लेकिन रिफंड नहीं आया अभी तक। तो एचडीएफसी बैंक ने इस पर आंसर दिया है, आपका जो ईएमआई कट हुआ है वो तो रिफ़ंड मिल जाएगा 100%, लेकिन किसी टेक्निकी प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन आपको रिफ़ंड ज़रूर मिलेगा। इसके रिकॉर्डिंग एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिस किसी ने भी ईएमआई के लिए मॉरेटोरियम अप्लाई किया था उसका बैंक से अगर पैसा कट हुआ है तो एचडीएफसी बैंक ने क्लियरली ये कहा है उनके वेबसाइट पर, उनको 100% रिफ़ंड मिल जाएगा, और ट्विटर हैंडल पर भी यह कन्फर्म कर दिया है। तो इसके लिए आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका बैंक से जितना भी बैलेंस काटा गया है वो आपको ज़रूर रिफ़ंड मिल जाएगा।